हेलो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको कैसे करें ऑनलाइन एडमिशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको यूनिवर्सिटी के जो सर्कुलर आए थे ये भी मैंने बताए थे। तो इस पे बच्चों को बहुत सारे डाउट है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। ये दो वीडियो अपलोड करने का मेरा मोटो ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस और जो बच्चे हैं 12th के बाद जो डिग्री कॉलेज में जाने वाले, तो उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर रखा हुआ, क्या क्या उनके लिए नोटिफिकेशन है। तो आप फर्स्ट सेकेंड जो वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे करें, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने ऑनलाइन एडमिशन को कम्प्लीट कीजिए। साथ ही साथ आपको सर्कुलर मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हो वो सर्कुलर मैंने यहाँ पे पीडीएफ के साथ अपलोड किया हुआ है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज की डेट है आपकी 24 जुलाई। यहाँ से आज कॉलेजेस कुछ ओपन होने वाले और कुछ आपके लिए एडमिशन फॉर्म लेके आने वाले हैं। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या बेसिकली। इससे पहले वाले वीडियो यानी कि जो आपने देखा सर्कुलर, एडमिशन सर्कुलर, उसमें बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कॉलेज तो बंद है लेकिन कॉलेज कैसा अपना एडमिशन फॉर्म सेल करेगी। तो मैंने पता किया बहुत जगह सोर्स से, ठीक है, वहाँ पे ये मुझे पता चला कि ऐसे कॉलेजेस जो कंटेनमेंट जोन में है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म सप्लाई होगा, और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये भी आपको ऑनलाइन ही फॉलो करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट को भी ऑनलाइन ही वेरीफाई करवाना होगा। और साथ ही साथ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे या ऐसे एरिया जहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं है या जहाँ पे केसेस कम है, वहाँ पे कॉलेज खुलेंगे, वहाँ पे फिजिकली आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे फॉर्म लेना है, फॉर्म सबमिट करना है, और जो मेरिट लिस्ट लगेगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है आपके पास, एक ऑनलाइन है और दूसरा आपका ऑफलाइन है। लेकिन आज से आपके ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो गए, याद रखिए कॉलेजेस के आज से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी ने डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म जो इशू किया है बच्चों लोग के लिए, इसका मतलब ये था कि बहुत सारे बच्चों लोग के पास ई सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो जो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है उनके लिए यानी कि सबके लिए ये फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है, और इस फॉर्म के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये जो फॉर्म है, ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको शो करता है कि आपके पास मार्कशीट अभी नहीं है लेकिन आप HSC पास हो गए हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल फिलअप करने हैं। आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आप एडमिशन फटाफट आज से ले लीजिए कॉलेजेस के साइट पे जाके। तो मेरे इस वीडियो में आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए।